तो मतलब अगर आप कहें कि किसी किसी दोस्ती को पहचानना है कि वो रियल दोस्ती है फेक नहीं है किसी मतलब के लिए नहीं है तो आप कैसे पहचान करते हो फ्रेंडशिप की कि दिस इज रियल इंसिडेंट बताता हूं मतलब हम जब स्कूल में पढ़ते थे ऐसे तो मेरा एक बचपन का दोस्त है वो तो बचपन से जो साथ है वो तो बचपन से साथ होते ही है पर मेरा एक स्कूल का दोस्त है मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे पूरा स्कूल जानता था

कोई सी भी स्टेज हो बस साथ होना मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है कई बार ऐसा हो जाता है चीजें हर इंसान हर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाता पर ये अपनी समझ की बात होती है है क्योंकि कोई इंसान ऐसा होता है, कुछ भाई ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह काम आ जाते हैं जहाँ कोई नहीं आ सकता मतलब सबकी अलग अलग पोटेंशियल है तो हर किसी का वो है किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे काम आएगा हम किसी के काम आ सकते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम किसी के काम आ रहे हैं ये ज्यादा बढ़िया हम किसी से उम्मीद लगाने से अच्छा आप उसके लिए खड़े रहो आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई आपके लिए आया नहीं आया उम्मीदों की वजह से इंसान को ऐसा लगता है यार कि <laughs> ये मेरे लिए नहीं आया रखो ही मत आपको कभी लगेगा ही नहीं कि यार ये रियल है या नहीं हमेशा सच्चे दोस्त मिलेंगे मिलेंगे जब आप आप खुद अच्छे अच्छे हो तो सब अच्छे ही हाँ, मतलब उम्मीदें लगाने से ही रिश्ते खराब हो जाते हैं हाँ, मतलब ज्यादा नहीं लगानी चाहिए क्योंकि अगर आप किसी के लिए कर रहे हो तो मतलब अगर आप भी कुछ सोच के कर रहे हो तो आपके मन में भी स्वार्थ है फिर दोस्ती का ही रह गए जब स्वार्थी आ गया तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर चाहिए हाँ जिसके लिए कुछ भी करो रिवर्ट की मत सोचो कि रिवर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा

तो बस यही है उसे तो नहीं भूल सकते पर हाँ ये है कि ये कह सकते हैं कि आपको जीवन में अच्छी चीजें भी मिलती है एक अच्छा इंसान भी मिलता है जो तुम्हें ये जानते हुए भी, भी प्यार करता है कि शायद तुम किसी और से भी प्यार करते थे और शायद कभी करो भी उसके बाद भी प्यार करते हैं तो इतने अच्छे लोग भी हैं हाँ। तो फिर इसलिए तो ज्यादा वो होता नहीं है कि ठीक है वो जहाँ पर है वो खुश है हम जहाँ पर हम खुश हैं वैसे प्यार की कोई डेफिनेशन तो नहीं हो सकती कि प्यार है क्या सबके अपने अपने मायने होते हैं प्यार को लेके लेकिन अगर आप कहो कि हाँ भाई ये मेरे को फील हुआ था उस टाइम पे यही मेरे लिए फीलिंग है प्यार की तो क्या फीलिंग रहती है वो प्यार वाली खैर ऐसा कुछ नहीं है तब हम अनमेच्योर होते हैं वो जब हमारे वो वाले रिलेशनशिप्स थे तो इतनी अनमेच्योर डेज थी हम प्यार को डेफिनेशन तो दे ही नहीं सकते अब तो फिर उसके बाद तो एक ही चीज़ समझ आई कि मतलब रियल प्यार जो है वो तो भाई है हाँ। उन्हीं से और उनसे ही करता हूँ मैं तो बाकी लड़कियों का प्यार घर में प्यार मानता भी नहीं हूँ पर अब जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं कुछ अच्छी लड़कियाँ भी मिल जाती हैं तो ऐसा लगता है कि

मतलब जितना मैंने देखा है मैंने मैं देखो ज़्यादा लोगों को नहीं जानता पर जिस लड़की को मैं जानता हूँ वो लड़की बिल्कुल लॉयल टाइप थी और मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था पर वो अपनी उससे काम के रिकॉर्डिंग बात थी और वो काम के रिकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन के रिकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट थी

कि मतलब सबको जोड़ के जो भाई है मतलब गांव वगैरह से इधर उधर से वो काम नहीं मिल पाता या फिर कुछ भी रहता है तो कुछ कर रहे हैं मतलब काम, एक है। काम मिल जाएगा किसी को परेशानी नहीं होगी मतलब बढ़िया हो जाएगा इन फ्यूचर उनके लिए आप एक एडवोकेट भी है और एक सोशल मीडिया अगर आपकी जाए कि लाइफ में और एक स्टार की लाइफ में कितना डिफरेंस है बहुत डिफरेंस होता है ज़मीन आसमान का वहाँ पे तो वहाँ काम करना पड़ता है <laughs> यहाँ बात कर मतलब बहुत डिफरेंस है चीजें बहुत अलग अलग है कोर्ट में बहुत सारे डेकोरम होते हैं बहुत सारे रूल्स लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं तरीके से चीजें करनी पड़ती है बाहर तो हमारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होती है हम कुछ भी कर सकते हैं जो चीजें हम बाहर कह रहे हैं सोशल मीडिया पर वो चीजें हम कोर्ट में नहीं कह सकते वहाँ की और यहाँ की लैंग्वेज अलग है डिफरेंस होता है बिल्कुल कभी ऐसा कोई फैन मोमेंट हुआ है जिसमें आप भी इमोशनल मैं फैन मैन मानता ही नहीं किसी को सब भाई भाई यहाँ तो मतलब आपके जो भाई है बहुत सारे होते रहते हैं कभी ऐसा हुआ है कि आप रो दी हो भाई की भाई मुझसे इतना प्यार करता है मुझे देख के सिर्फ रोए तो जिंदगी में एक ही बार थे तो, नहीं। तो ये है क्या बढ़िया लगता है भाई प्यार करते हैं बहुत सारे भाई हैं अब किसी एक की नहीं बता सकता क्योंकि मैं सबसे बराबर ही प्यार करता हूँ और वो भी इतना ही करते हैं पर हाँ कुछ लोग हैं मतलब वो बिल्कुल भाई ऐसे हैं कि मतलब चाहे मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ पर तब भी मतलब वो मेरी हर अचीवमेंट पे केक वेक काटना जैसे मतलब चार लाख हो गए तो वो मेरे से आज तक नहीं मिले पर वो केक वेक काटना उनका और किसी को मतलब कोई भाई भाई है कभी कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजते रहते हैं अच्छा लगता है कि प्यार करते हैं तो आप इतने ज्यादा स्मार्ट है, आ, आपके लुक्स भी है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सारी लड़कियों के बीच में जो लड़कियां तो अगर एक साल चाहूं तो बदल बदल के लड़कियां घुमा सकता हूँ <laughs> पूरे तीन सौ पैसठ दिन मैं ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे घर वालों ने ऐसे संस्कार नहीं दिया और मैं वैसे मतलब मैं रिलेशनशिप में बिलीव भी नहीं करता इतना चीजों को लेकर ना क्योंकि मैं जब मेरा पास्ट भी थोड़ा ऐसा ही रहा कि तो फिर उसके बाद जब मेरे को लड़कियाँ मिलती हुई हैं तो मतलब इतना ज़्यादा वो कभी मोमेंट क्रिएट हो नहीं पाया क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम और इशू है आजकल लड़कियों के ना बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा होते हैं <laughs> तो उनकी ज़िंदगी में लड़के बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर अपना थोड़ा अलग सीनहरी हो चाहे अब कोई कुछ भी सोचता हो कि मतलब लड़की छोटे कपड़े पहनती है मैं उससे दिक्कत नहीं है पर हमारे घर में जो आएगी वो नहीं पहन सकती तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम उस चीज़ को मानते हैं तो उस हिसाब से कि लड़कियों की थिंकिंग लेवल अलग है और हमारा थिंकिंग लेवल अलग है और अगर हमारा मैच नहीं करता तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि लड़ाई और डिस्प्यूट्स वो डिस्प्यूटी अच्छी नहीं लगती क्योंकि एक पांच उंगलियां बराबर नहीं हो सकती तो फिर इसलिए वो उसको पस... उनकी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है उनको शायद मेरी पसंद ना तो बेसिकली आपको लड़की और किस तरह की पसंद है मतलब आपको क्या क्वालिटी चाहिए एक लड़की जो बिल्कुल आपको लगे की हाँ भाई ये बंदी रह सकती है ऐसी लड़की होनी चाहिए जिसके घर जिसके पास सिर्फ उसके पापा का नंबर हो उसके भाई बहनों का नंबर हो और सिर्फ मेरा नंबर हो और ऐसी लड़की मिलेगी नहीं इसीलिए तो मैं बोलता हूँ पिछले बोर्ड में भी बोला था कि हम तो संन्यास लेंगे हमारे बस की हमसे बर्दाश्त ना होम चीज आपके पास कोई लड़की नहीं है मैं किसी लड़की से बात नहीं करता नहीं तो लड़की के फोन में आपने बुरा सिर्फ चार पाँच नंबर में बस मेरे भाईयों के नंबर दोस्तों के नंबर है ही नहीं लड़कियों से बात ही नहीं करता जिनसे काम की बात होती है वो है बस और कुछ भी नहीं है हाँ जी ठीक है

चाहे अपना दोस्त हो अब मतलब वो किसी भी तरीके का हम साथ दे रहे हो चाहे वो क्राइम तक हो या फिर वो अच्छी चीज तक हो पर हमें तो साथ देना पड़ेगा तो उस साथ देने को आजकल लोग ना बदमाशी कहने लगे तो जो उस समय पे हमारे पिताजी करते थे तो जब उनकी शादी हो गई ना तो जब वो चीजें कुछ करते थे मतलब पहले वो हमें कहते थे कि अगर आज मैं किसी को थप्पड़ मारता हूं तो मुझे सोचना पड़ता है हाँ, पहले मुझे है सोचना थे थे। नहीं पड़ता था क्योंकि मेरे को यूँ नहीं लगता था कि उन्हें यूँ लगता था कि चल मेरे पीछे से मेरी मम्मी है मेरे पापा है वो संभाल लेंगे अब उनको बीवी दिखती है फिर हम पैदा हो गए तो वो थोड़े और कच्चे हो गए कि अब मेरे बच्चे हो गए मुझे अपने बच्चे पालने लें

देवी समान औरत है तो हम उसको परेशानी में नहीं डाल सकते ना हम उसको थाने के मेरे पापा एक ही चीज़ आज भी अपनी मम्मी को कहते हैं और अगर मेरी भी शादी होगी तो मैं उसको भी यही बात कहूँगा कि चाहे मैं मर जाऊँ या मैं जीऊँ या ना जीऊँ पर तू कभी थाने कोर्ट कचहरी में पैर मत रखियो मतलब एक देखो हमारे प्रोफेशन ने एक अलग चीज़ है एज़ अ प्रोफेशन आप एडवोकेट हो आप पुलिस मैन हो या फिर कुछ भी हो आप पुलिस में हो तो वो एक डिफरेंट सिनारियो है पर अगर एज अ मैं किसी एज अ क्राइम करके मैं कहीं थाने जा रहा हूँ और आप वहाँ पर आ रही हो

और मतलब जितना था वो कर चुके हैं अब बाकी कर रहे हैं अपने लेवल पे जो भगवान ने दिया जैसा दिया उसी के साथ चल रहे हैं बाकी ये अपना जिंदगी छोटी सी है उसी में चले जाएंगे किसी दिन भाइयों के लिए दोस्ती वोस्त की बात है बाकी कुछ नहीं है और इससे ज्यादा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है फ्यूचर प्लानिंग वो कर सकते हैं जिनका जीवन बहुत सॉर्टेड हो कि उन्हें पता हो कि वहां तक जाएगा हमें तो आज जाए कल नहीं है कुछ पता ही नहीं किस दिन चले ही नहीं आपकी हर बात पे आपके भाई आपके दोस्त सबका जिक्र होता है अगर आपकी लाइफ में आपके ये भाई दोस्त नहीं होते तो आप क्या करते हो तो कुछ भी नहीं होता तो मेरे जीने का फायदा ही क्या बढ़िया तो भगवान मौत दे जहाँ मेरे भाई नहीं है मेरे साथ भाई इतना नहीं चल सकता कुछ भी लोग कहते होंगे कि यार उनके पास लोग कहते हैं मतलब दोस्त होते ही होते है। मेरा तो कोई भी दोस्त मतलब मुझे कभी जीवन में नहीं मिले मतलब मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे को कोई दोस्त मतलब भी मिला हो या उसने मुझे धोखा दिया हो मेरे तो सारे भाई मेरे साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए उनके मेरे मन में उनके लिए कभी लालच नहीं है कि यार वो मेरा साथ दे वो मेरा यहाँ पर ये मदद करे वो करे मैं उसकी मदद कर रहा हूँ तो मैं अपने भाईचारे के लिए कर रहा हूँ अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ और मैं उससे रिवर्ट मांगू कि मैं तेरे लिए आया था तू मेरे लिए आ तो मुझे बुरी लगेगी कि वो मेरे लिए नहीं आया मैं ऐसा सोचता ही नहीं कि कोई आ सकता है तो ठीक है नहीं आ सकता तो अगले की मजबूरी होगी यार हमारी भी होती है एक दस जगह किसी की होगी तो ठीक है यही मानता हूँ मैं तो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके भाई चारे वाले भाई हैं सारे के सारे तो कभी आपके भाइयों ने आपको कहा नहीं कि आप बॉलीवुड में ऑडिशन वगैरह नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो मतलब मैं कभी हमारा ऐसा कुछ प्लान भी नहीं रहा पर ये जो आप भाईचारे वाली बात बोल रहे हो ना एक किसी ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रखा था मैंने आज में क्वेश्चन डाला तो वो बदना मुझसे पूछता है कि भाई आपकी फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट है पहले है या आपके भाई आपके लिए पहले है तो मैंने उस भाई को मतलब आपके पॉडकास्ट के थ्रू रिप्लाई कर देता हूँ कि मैं उसको ये कहना चाहता था कि जो अगर जिसको हम भाई कहते हैं ना वो हमारा परिवार ही होता है वो हमारे परिवार से अलग नहीं होता तो हम जिसको भाई कहते हैं जिसके साथ बैठते हैं उठते हैं खाते हैं पीते हैं वो हमारे घर में वैसे ही आता है भिल्कुल। तो बिल्कुल वो मेरी माँ को माँ मानता है मैं उसकी माँ को माँ मानता हूँ तो उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता तो फिर वो परिवार ही होता है तो वो कोई उसको डिफरेंट नहीं करना चाहिए हमें कि फैमिली अलग है और भाई अलग है दोनों एक ही है कुछ अलग नहीं है इसमें तो आप अगर अपने परिवार के साथ खड़े हो अच्छे बुरे स्थिति में तो अपने भाइयों के साथ भी खड़े हो अच्छी स्थिति में। और नहीं हो सकते तो जीवन का को कोई फायदा नहीं है आपने नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेरे साथ जिंदगी में ऐसा है कि मैंने बहुत बुरा समय भी देखा है जिंदगी में तो जब मैं कुछ नहीं था तब भी मेरे साथ मेरे भाई खड़े थे आज मैं सब कुछ हूँ तब भी मेरे साथ मेरे भाई खड़े तो मतलब ये मान लो कि जब मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी तब भी मेरे कहने से वो मेरे लिए सौ गाड़ी ले आते थे तो इतना जब मैंने कमा रखा है कि जब मैं कुछ भी नहीं था जब मैं मेरे पास अगर रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं तो भी मैं उनके घर जाके खाना खा लेता था तो जिन्होंने मुझे बस इतना प्यार करा है सब कुछ करा है तो उनको कैसे भूल सकता बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है अगर जो आपके बुरे वक्त वक्त पे काम काम आया तो आपको भी उसके हर में आना चाहिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बुरे वक्त में काम आए अच्छे में आए बस ये होता है कि इंसान साथ में खड़ा हो जाए ना इंसान का काम आना मैटर नहीं करता अगर मैं किसी के किसी काम के लायक नहीं या कोई भाई किसी की कोई मदद नहीं कर सकता अगर वो उस समय पर सिर्फ उसको जाके यूँ कह देगा ना भाई कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं तो बस इतना भी बहुत होता है एक साथ बहुत होता है मदद की उम्मीद नहीं होती इंसान को साथ के लिए साथ इनफ होता है करने के लिए तो जैसे आपने कहा कि लाइफ में आपके भी ऐसा तो कभी भी नहीं लगा कि भगवान ने दिया ही हमेशा तो जो, जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं हमारे साथ जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है जो हमारे साथ गलत हो रहा है वो हमारे कर्मों की सजा है वो हमने कुछ गलत करा होगा तो जब भगवान हमारे साथ अच्छा कर सकते हैं तो बुरा करने का भी हक भी उन्हें क्योंकि सब कुछ दिया उन्हीं का जन्म भी उन्होंने दिया हम तो ना कुछ लाए थे ना कुछ लेके जाएंगे तो मैं कुछ ऐसा कभी जीवन में मानते नहीं ना मैं कभी कहता कि मेरे साथ जिंदगी में बहुत बुरा हुआ है या मैंने कोई स्ट्रगल फेस करा है जो परमात्मा ने स्थिति दी है वो कबूल है और अच्छे से उसमें जिए हैं चाहे कैसा भी हो हंसते खेलते अपने भाइयों के साथ प्यार बांट लिया माँ बाप थे, 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 थे माँ बाप के साथ माँ बाप है माँ बाप के साथ बांट लिया उस समय पे उनके साथ बांट लिया बस ऐसे ही चलता रहा जिंदगी परेशानियों को परेशानियाँ समझानी क्योंकि परेशानियों को परेशानी समझोगे तब वो परेशानी है जब तुम उनको छोड़ के चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके अपने अच्छा सोचोगे ना पॉजिटिव सोचोगे तो चीज़ें पॉजिटिव ही लगेंगी कोई चीज़ ऐसी जिसको दूर जाने से आपको लगता है कि भाई मेरी जिंदगी रुक जाएगी डर लगता है आपको उस चीज़ के दूर जाने से ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यारे भाई बोलता बड़ी छोटी जिंदगी है ऐसा कुछ तो जीवन में इंसान के बहुत सारे विवाद होते हैं उसको पता होता है वो किस स्थिति पर नहीं है आज का नहीं पता कल का नहीं पता तो बस यही है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वजह से या हमारी दुश्मनी जो भी है हमारे जीवन में उस वजह से किसी मेरे भाई को कभी कुछ ना हो यही सबसे बड़ा डर रहता है कि यार अगर कोई नुकसान हो जाए तो मुझे हो जाए उसको ना हो क्योंकि फिर मैं उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा क्योंकि वो मेरे साथ रहते हैं तो फिर यही है कि अगर कभी भगवान कोई बला भी दे तो मेरे ऊपर दे उनके ऊपर ना दे आपका जो भाईचारा या दोस्ती को लेके जो वे है लोगों का यही होता है ये आपने कब फील किया है बचपन से आपके मन में नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमें भी नहीं चीजें बता दी जीवन में पर जब हम मैच्योर हुए हमने चीजों को देखा समझा तो एक बात होती है की मैं आपको बताता हूँ कि एक भाई है ना हो सकता है कोई भाई पैसों से बहुत मजबूत हो हो सकता है कोई भाई बलवान हो कि उसको दस लोग जानते हो एक बार में दस लोग बुला सकता है कोई ऐसा भाई हो जो आपको परिवार को टैकल कर सकता है आपके परिवार से अच्छे से बात कर सकता है आपके घर पे सब कुछ समझ सकता है तो हर किसी का अलग रोल हर जैसे भगवान ने सबको किरदार दिए है अगर मेरी सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही है कि आजकल लोग दोस्ती मतलब के लिए रखने लग गए हैं कि भाई मैं इसकी मदद करूंगा तो ये कल को मेरी मदद करेगा मैं इसके लिए दस गाड़ी लेके जा रहा हूं या मेरे लिए बीस गाड़ी लेके आएगा मैं इसकी लड़ाई में जा रहा हूँ या मेरे लिए पांच लड़की लेके आएगा ये सोच मरवा इंसान को अगर वो अच्छा सोचे ना सिर्फ ये सोचे कि यार मेरे को मेरा भाई है उसका फोन आ गया मुझे जाना है उसकी मदद करनी है बात खत्म होती है वहां से अगर मैं उससे ये सोचूंगा कि ये मेरे को रिवर्ट देगा फिर दोस्ती क्या मतलब निकाल रहे हैं तो जीवन का चक्कर चल रहा है बिजनेस कर रहे हो तुम दोस्ती का गाई की बस ये यही मानना है मेरा ये चला आपका दे तो आप तो समय समय, समय देखा है दोस्ती में लड़की हाँ। के लिए लड़ रहे कि लड़की ने आगे फसाद डाल दिया, ये डाल दिया <coughs> मतलब अगर मैं और मेरा दोस्त हमारी कोई बात है मतलब आपस में पर्सनल तो अगर मेरा अपने दोस्त से कोई झगड़ा है किसी चीज को लेके तो मैं उसको हाथ पकड़ के कमरे में ले जाऊंगा कि भाई यहाँ बैठ तेरी मेरी हम करेंगे ना हम बिठा के कर लेंगे। बार तीसरे आदमी को पता है क्यों चलने देंगे। हमारा कोई वो बाजार है तो फिर वो, दोस्ती दोस्ती नहीं। नहीं। वो, वो छोर दुनिया में मचाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता तो लड़कों की दोस्ती में लड़कियों की दोस्ती में मैंने एक डिफरेंस देखा है कि कभी भी एक लड़के का दोस्त है और अगर वो उस लड़के की बहन है तो उसके लिए बहन है लेकिन अगर किसी लड़की का की कोई फ्रेंड है और उसके भाई के साथ आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि भाई सेटिंग करा दे या फेस वगैरह का सीन होता है तो कभी भी लड़की का जो भाई है वो उस लड़की के लिए भाई क्यों नहीं होता है मतलब मैं तो ऐसा मानता नहीं क्योंकि देखो मैं तो जी आज तक जिस भी घर गया हूँ या फिर मेरे को अगर किसी के घर बुलाया किसी ने तो हमने तो ना कभी उसकी रसोई में देखा ना कभी उसकी बहन को देखा हमेशा देखा तो देखो अब लोग सोचते होंगे कि ये वो राम जी वाली बात है लक्ष्मण जी वाली बात है पर मैं ये सच्चाई कह रहा हूँ कि मैं कभी अपनी दोस्त की बहन का चेहरा भी नहीं देखता वो निकल रही होती है तो निकल जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं जिसके घर गया हूँ आज तक ना मैंने कभी कभी कुछ ऐसा कभी जीवन में सोचा और ना मैं यही मानता हूँ कि आदमी कितना भी नीच घटिया हो मैं कह रहा हूँ मैं मैं बहुत पाप करता हूँ ये सच्चाई बात है कि मेरे हाथ से जाने अनजाने बहुत सारे पाप होते हैं पर मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर आप इस मामले में आपका चरित्र ठीक है ना कि आप अपनी दोस्त की बहन पर कभी नजर मैं कह रहा हूँ दोस्त की बहन हो माँ वो कैसी भी हो आजकल बहुत सारी चीजें हैं वो कुछ भी कर रही हो वो सोशल मीडिया पे क्या कर रही है वो बाजार में क्या कर रही है वो बाहर क्या कर रही है वो अपने घर में क्या कर रही है अगर वो तुम उस बंदे को भाई बोलते हो तुम उसे दोस्त बोलते हो तो कुछ भी कर रही है उस बात को वहीं छोड़ दो तुम्हारे को ना ध्यान देने की जरूरत है ना कुछ बोलने की जरूरत है क्योंकि जिस जो जिसकी बहन और माँ कर रही है वो जानता है इस बात को अच्छी तरह वो कर रही है तुम उसे बार बार बोल के मत जताओगे वो क्या कर रही है अगर तुम्हारे आगे कोई बोले तो तुम्हें सिर्फ इतनी बात कहनी है कि भाई बहन है मत बोल बोल आदमी किसी की मजाल नहीं है कि बोल जाए तो इंसान बोल लोग एक 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 दूसरे को बोलते है, तो हैं हैं तभी है। तो चढ़ाते जब बंदा बार में टोक देगा उसकी बहन है तमीज से अपनी बहन बात खत्म हो जाती है कोई बोलेगा ही नहीं लेकिन आपका जो ये माइंडसेट है ये हर किसी का नहीं है लोगों की सोच तो इससे बिल्कुल विपरीत है लोग सोचते हैं कि भाई इसकी बहन है तो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि देख भाई क्या कर रही है तेरी बहन एक बारी मैं एक पर्सनल है इसमें एक लड़की थी ठीक है वो रोड पे खड़े होकर सिगरेट पी रही थी और उसका दोस्त दोस्त उसके भाई का दोस्त, देख के गया है कि वो सिगरेट पी रही थी उसने प्रॉपर हाँ। वीडियो बनाई और उसके भाई के एक ग्रुप में शेयर कर दी दैट ये स्मोक कर रही है उसके भाई ने अपनी बहन की ऐसी रिमांड लगाई और उसके फ्रेंड्स के सामने सबके सामने उसकी इंसल्ट हो गई इस बात को लेके अब उसके सच्चे दोस्त ने रिवील कर दिया सारे दोस्तों के बीच नहीं अगर वो दोस्त सच्चा हुआ ही अगर वो सच्चा होता तो घर जाता उसकी बहन को वहीं पे उसकी सिगरेट भुजवाता और उससे बोलता बहन तू ये सब क्यों कर रही है तू क्यों पी रही है मुझे बुरा लगता है कि तू ये सब कर रही है घर ले जाता उसके मम्मी पापा से बात करता पता कोई परेशानी है कोई दिक्कत है मुझे बता बहन तू से नहीं बता सकती मुझे बता मैं अभी तो तेरा भाई हो वो तो बात होती इसे दोस्ती निभाना बना अगर उसे पेट अगर वो पिटने से सुधरती होती तो कोई दुनिया नहीं सुधर जाती पिट पिट के प्रशासन नहीं पीट रहा अपराधियों को सुधर गया कोई कोई नहीं सुधरता पिट गया तो बेवकूफ बातें लोग अपने नंबर बनाने की कोशिश करते हैं किसी के घर आग लगती है ना दुनिया को मजा आता है कि इसका घर जल रहा है बेफको भी ये नहीं सोचते चलेगा ये दुनिया है, ये के उल्टे आने ही आने है।, संसार है जैसा करोगे वैसा आप भरोगे तो कर्म पलट के आने से बात से मुझे अपने एक भैया है वो वहाँ पे पोस्टेड है आई तो उन्होंने कहा था दर्शन जल्दी तो जब भी समय लगेगा वहाँ पे जाएंगे बाकी राम मंदिर से एक बात याद गई लोग बड़े विवादित रहते हैं आजकल ना इंस्टाग्राम पे हिंदू मुस्लिम के चर्चे हो कि भाई ये है वो है तो देखो मैं राम मंदिर को मानता हूँ मैं हिंदू को भी बहुत मानता हूँ कि हम हिंदू हैं मुझे गर्व है पर लोग जिस तरीके से मुसलमानों को नीचा दिखा रहे हैं ना इतना भी नहीं दिखाना चाहिए मेरा पर्सनल मानना यही है क्योंकि पाँच उंगली कभी बराबर नहीं होती और मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं एक बार मैं एक झगड़ा बताता हूँ मेरा एक मामडन दोस्त है और वो मेरे स्कूल में पढ़ता था वी वो क्लासमेट तो एक दिन क्या हुआ हम एक एरिया गए माम का एरिया था हम गाड़ी लेके आ रहे थे हमारा वहाँ झगड़ा हो गया और वो जिस बंदे से झगड़ा हुआ गाड़ी में थे हम कोई बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था उसकी वजह से हो गया तो उस बंदे को जो मेरा दोस्त था उसे कुछ भी नहीं पता तो हमारा वहाँ झगड़ा हो रहा था वो चालीस पचास माम इकट्ठे हो गए वो वहाँ पर और झगड़ा हो ही गया था लगभग लगभग मेरा वो दोस्त वहाँ पर आया उसने देखा कि हेमंत खड़ा उसे नहीं पता था कि मुझे नहीं पता था उसने देख लिया वो आया उतर के और उसने उन चालीस पचास बंदों को बोला चलो पीछे टे भाई है हट यहाँ से तो मतलब उस बंदे ने वहाँ पे मेरे लिए उन पचास लोगों से बोला बोल रहे तू इनसे बोल रहा कोई बात नहीं भाई है कह दिया ना तो मतलब वो और मान लो मेरे बचपन के दोस्त है वो आज भी जेल में है और वो भी मामन है और मतलब उन्होंने मेरे लिए इतने झगड़े करे इतना सब कुछ करा है मुमताज़ अपना एक भाई है वो सारे मतलब अभी भी जेल में उन्होंने मेरे लिए इतने झगड़े करे मेरे घर के पीछे एक मामले रहता है वो भी मेरा दोस्त है वो मेरे लिए हर चीज़ में खड़ा रहता है तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि यार पाँच उंगली बराबरी नहीं होती हर मुसलमान को एक नज़र से नहीं देखना चाहिए तो लोग मतलब जिस तरीके से लड़े जा रहे हैं कुत्ते की तरह मतलब ये चीजें नहीं करनी चाहिए आप राम जी के साथ रहो आप हिंदू के साथ रहो देखो अल्लाह को मानना मैं नहीं मानता कि गलत है पर मुल्ला को मानने वाले मुसलमान गलत है जो मदरसा को मानते हैं उससे दिक्कत रखो जो अल्लाह को मान रहा है उसमें क्या दिक्कत है मेरा दोस्त मेरे साथ मोमडन है मंदिर जाते हैं यार टीके लगाते हैं मेरे घर में खाना खाते हैं हर पूजा पाठ में आते हैं मैं कैसे कह दूंगा मुसलमान गलत है हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता तो मैं यही कहूंगा लोगों को थोड़ी सी सोच बदलनी चाहिए हर आदमी एक जैसा नहीं होता तो सबके लिए अच्छा सोचो आप चीजों को पॉजिटिव रखो हाँ। ये थोड़ा गांव देहात मदरसे वाले एरिया है वहां पर होता है मैं यहाँ पर तो नहीं मानता हमारी साइड ऐसा कुछ भी है सोशल मीडिया ने इन सब चीजों को ज्यादा ये बना है। रहे हैं लोग इन चीजों को ना एक बात सुनी थी एक बात शायद आपने सुनी होगी एक कमेंट पढ़ रहा था मैं एक झगड़े में कि गाय का मांस खाने वाला और गाय का दूध पीने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता मैं इस बात को बिल्कुल जायज मानता हूँ कि बात बिल्कुल ठीक है परफेक्ट है पर मैं उन सब भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मांस खाना छोड़ दो अंडा खाना छोड़ दो तुम भी सब कुछ छोड़ दो अगर इतनी बात है ना देखो मेरी नजर में मैं एक चीज मानता हूँ एक प्रैक्टिकल अगर तरीके से सोचा जाए तो एनिमल एनिमल होता है चाहे आप जानवर को खा चाहे आप मुर्गे को खा रहे हो चाहे आप बकरे को खा रहे हो आप किसी को भी खा रहे हो और हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा लोग भी खाते हैं ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ हिंदू बहुत सारे खाते हैं तो मैं अगर आप इतने ही अच्छे और धार्मिक हो ना अगर आपको इतनी सब चीजों से दिक्कत है रक्षा करने वाले तब बोनो जब आप खुद बक्षक नहीं हो जब आप खुद अंडे छोड़ दो जब खुद मास छोड़ दो तब किसी को उंगली उठाना कि भाई तू ये मत खाया कर ठीक है और क्योंकि जो चीजें चलती आज जो पुराने समय से उनके साथ जो चला आ रहा है मुझे इस चीज से दिक्कत है आप गाय के काटने पे दिक्कत कह रहे हो आप मुर्गी के काटने पे दिक्कत क्यों नहीं कह रहे आप बकरे के काटने पे दिक्कत क्यों नहीं कर रहे हर जानवर के लिए लड़ो ना एक जानवर की लड़ाई लड़ाई नहीं हुई ना क्योंकि प्राण तो उसके अंदर भी है छोटा सा जीव भी है मक्खी भी है उसमें भी प्राण है इवन अंडे भी बिखा रही है खाने चाहिए

हमंडा नहीं खाते तो हम कर रहे हैं तो हम लड़ाई लड़ते अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारा अपना आपा ठीक है हम किसी और जानवर की जान के लिए भी लड़ेंगे हमारे आप कुत्ते को डंडा मारो हम कुत्ते के लिए भी लड़ेंगे आपसे आप गाय के डंडा मारोगे गाय के लिए भी लड़ेंगे पर हम दोनों चीजों के लिए लड़ेंगे हम यहाँ पे अपने नंबर बनाने के लिए नहीं कर रहे के हम हिंदू हैं हम दिखा रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं नौटंकी बाजी मत करो अगर वाक्य में दिल में है किसी जानवरों के लिए अगर तुम्हारे दिल में हृदय तुम इतने दयालु हो ना तो तुम्हें हर जानवर पर करुणा नहीं चाहिए ये नहीं कि सिर्फ तुम एक अपने नंबर बनाने के लिए हम हिंदू हैं हम तो गोय माता के लिए लेकिन अगर इसी चीज़ को सेम में देखी जाए तो वो लोग भी कमी नहीं छोड़ते हैं वो भी इंसल्ट करते हैं चीजों को लेके बकवासों को लेके तुम्हारे तो इतने सारे मैं आपको बताता हूँ एक ये कुछ लोग होते हैं एक बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स है ये ना आदमी का माइंड सेटअप बहुत चेंज हो गया है पर एक छोटी सी पॉलिटिक्स को घुमा घुमा के लोगों के मन में इतना हिंदू मुसलमान भर दिया गया कि लोग आपस में लड़ते रहते हैं वैसे मैं कट्टर बीजेपी समर्थक हूँ मैं खुल्ला बोल रहा हूँ मैं बीजेपी का बहुत अच्छा समर्थक हूँ मैं योगी जी मोदी जी को बहुत मानता हूँ पर अब लोगों की जो थिंकिंग हो गई है वो हिंदू मुसलमान हो गई है लोग एक दूसरे को कोई नजर ही नहीं देख रहे कि भाई लड़का है लड़की है मुसलमान है ये अरे ऐसा नहीं होता हर इंसान एक जैसा नहीं होता क्योंकि मुझे नहीं मिले जीवन में आप पॉजिटिव चीज़ें ढूंढो पॉजिटिव मिलेंगे और जिन एरियो में ऐसा है वहां पे भाई लड़ाई लड़ो अपनी सब लड़ रहे हैं लड़ाइया तो, तो होती हैं। रहती है कितने दंगे फसाद होते हैं वो जरूरी भी नहीं होंगे तो चीजें ठीक कैसे होंगी अगर गलत की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो वहाँ पे लड़... वो लड़ने का मुद्दा है वो जो जो गलत है जो मुल्ला को मान रहे हैं वो गलत है जो अल्लाह को मान रहे हैं उन बिचारों को पीट रहे हो उनकी तो कोई गलती नहीं है ना कहते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता अगर मैं अपराधी हूँ मैं क्राइम कर रहा हूँ तो इसमें मेरे माता पिता की क्या गलती है तो बस यही है मैं तो यही चाहता हूँ कि हर किसी क्योंकि एक दूसरे की माँ बहन कर रखी है एक दूसरे की गाली अरे किसी की माँ और बेटी की क्या गलती है उसमें जो तुम एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हो तुम्हारा आपसी मुद्दा अपना लड़ाई है उसको तरीके से लड़ लो अगर तुम्हें हिंदू मुसलमान करनी है तो एक बार में करके खत्म कर लो ऐसा कभी हो भी नहीं हो सकता ये है इस चीज को छोड़ दो ना एक दूसरे की माँ बहन को गाली देना ऑनलाइन ये वो इन चीजों को मैं नहीं मानता सही है अरे वो आईडीज ही ऐसी होती है अब आप तो आप आपने खुद बोली ना वो बात तो इसका मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था कि वो कुछ चीजें प्रमोट कर रहे हैं जो आप कह रहे हो ना फोटो दिखाते हैं ये कुछ लोग होते हैं स्पेसिफिक जो बना के दिखाते हैं और जो लोग उसे प्रमोट करते हैं वो भी और ज्यादा नोटंगी किलवार के देखो ये हो गया कोई एक दो ड्रामे करते हैं हमारी माता की मूर्ति तोड़ दी चाहे तोड़ के कोई और चला गया हो मैंने एक वीडियो देखी है उसमें क्या होता है वो मूर्ति गिर जाती है खड़ा हो जाता है एक इन्फ्लुएंसर आगे वीडियो बना रहा है ये देखो मुसलमानों ने मूर्ति तोड़ दी अब कोई तरीका यार हम था किसी के मत हो रहे हो ठीक है सर ठीक है ऑडियंस आपकी बात को समझ रही है कि हिंदू मुस्लिम ना करे अपने अपने भगवानों को इस हाँ, दे एक और, दे। हाँ, और एक दूसरे की अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी हाँ कि आपकी तीन सबसे स्पेशल और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें कौन सी है लाइफ में तीन सबसे स्पेशल और इम्पोर्टेंट जी कुछ आई नहीं जिंदगी में स्पेशल इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है जो समय के हिसाब से किसी के लिए कुछ कर पाए वो इम्पोर्टेंट है और जो किसी की भला करके जो खुशी मिलती है वही सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि भाई खुश हो जाते हैं किसी को ही हमारी वजह से खुश होता है तो हमें खुशी होती है बस इतना ही है और तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि ये चीज़ें पसंद है नहीं है ऐसा कुछ नहीं तो जो आपने इतनी सारी म्यूजिक एल्बम्स की हैं अभी तो क्या एक्सपीरियंस रहा है उस म्यूज़िक एल्बम का क्या क्या नया नया एक्सप्लोर करने को मिला है आपको कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं होता बस यही है कि मेरे को तो इतना खैर शौक इन चीजों का था नहीं वो तो कि वो दो चार भाई में। प्यार में बुला लेते हैं कि भाई आ जाओ तो मैं चला जाता हूँ किसी चीज के लिए ना मुझे कोई बुलाता है तो मैं ना कह नहीं सकता भाई मेरे से होता नहीं है कि कोई मुझे प्यार से बुला रहा है या मेरे से प्यार करता है तो मुझे मना कर दू तो ये मेरे से हुआ नहीं और बस इसीलिए मैं आ कर देता हूँ और चला जाता हूँ बाकी मुझे कोई शौक नहीं है इनका गाने वाने का ये वो कोई भाई दे देता है भाई ये कर देता आपको ट्राई करना चाहिए नहीं नहीं मतलब ऐसा मेरे को पर्सनली पसंद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार

नहीं मेरे घर वाले कभी रोकते नहीं थे वो रोकते भी थे कभी तो ये बोलते थे कि इतनी रात को बाहर क्यों जा रहा है तो मैं छज्जा टाप के भाग जाता था क्योंकि तो मुझे जाना होता था किसी भाई का फोन आया तो जाना है तो चला जाता था क्यों पर क्यों? ये था मेरे घर वाले रोक टोक तो वाले नहीं है मेरे घर वाले हमेशा यही कहते अपने दोस्त को छोड़ियो मत अगर मेरा दोस्त परेशानी में भी है तो यही बोलते हैं कि जाओ कोई बात नहीं तू जो होगा देखी जाएगी बस उसे ले आई हो जैसे कोशिश यही करना झगड़ा मत करना प्यार तमीज से समझा लियो क्या पता आ जाए और कोई बात हो तो फोन कर दियो

मतलब तो मेरे पापा मेरे से जब अब तो खैर हमारी इतनी कम बात होती है पापा से थोड़ी पर पहले बता रहा हूँ मेरे पापा उठा देते थे जाइए उसका फोन आ रहा है सो रहा है इन पे उठा के भेज देते थे वो वहां फंसा हुआ उसे ले आइयो एक दिन मेरा एक दोस्त था वो गुड़गांव में उसकी बाइक खड़ा कह रहे जाइए एक बार गाड़ी लेके लेकर गुड़गांव <laughs> बाइक खराब हो गई रात को तीन बजे फिर मैं वहां गया मतलब मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है बहुत ज्यादा आपकी फैमिली का इवन आपके फादर की जो आपने स्टोरी सुनाई ऐसा कोई फादर नहीं होता जाइयो उसको लेकर आ जाए मेरे पापा तो मेरे पापा हमेशा यही कहते हैं कि इस दुनिया में अगर अपने दोस्त के लिए तू मर भी जाएगा ना तो मेरे को गर्व होगा कि तू मेरा बच्चा है और तूने कुछ करा है अपनी दोस्ती के लिए वो थोड़े से बहुत ज़्यादा काइंड काइंडर्टेड है मतलब इस मामले में अपनी दोस्ती को सर्वव्यापी मानते हैं कि दोस्ती और मैं आपको सच बता रहा हूँ आज मैंने मतलब दस साल मेरे पापा अपने समय में उनके बहुत सारे दोस्त थे पर आज शायद उनका कोई एक आधा दोस्त होगा जिससे वो बात करते होंगे अपने समय में बहुत दोस्त थे मतलब सब जानते थे पर मेरे पापा ने सब कुछ छोड़ दिया और आज वो घर रहते हैं और उनका एक दोस्त था कोई झगड़ा हुआ तो वो उस बंदे का वो बंदा एक्सपायर हो गया वहाँ पे एक कुछ झगड़ा हुआ तो वो ऐसा झगड़ा था कि मतलब वो बीस पच्चीस जने थे और मेरे पापा और वो दोस्त थे तो उसके मेरे पापा के एक पैर पे चाकू लगा और एक दूसरी जगह लगा तो उस बंदे के वो दिल पे चाकू लग गया और उसकी ना वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी तो जब से मेरे पापा आज भी मतलब उस इंसिडेंट को भी तीस साल हो गए होंगे शायद मैं भी तीस साल का नहीं उससे भी तीस क्यों पैंतीस साल हो गए होंगे और मेरे पापा आज भी एक बात हमेशा मुझे बोलते हैं कि कभी अपने दोस्त को छोड़ के कहीं मत जाइए चाहे कुछ भी हो जाए अगर तेरे को कुछ हो जाएगा ना तो मेरे को ऐसा लगेगा कि

दो चार बार काम कर लो आप एक बार उसे मना कर दो आपको बुरा समझने लग जाएगा और उसने मुझे मना कर दिया वो आपके बारे में बुरा बोलने लग जाएगा पर ये हमारी पर्सनल सोच और फिलोसफीज है ना कि हम ऐसा सोच रहे हैं अगर हम ऐसा ना सोचें हम चीज़ों को वहाँ तक लेके ही ना जाएँ कि हम इतनी घटिया सोच हो चुकी है लोगों की कि मतलब सिर्फ एक काम की दोस्ती रह गई है बिज़नेस बना दिया यार दोस्ती कि तू मेरे काम आ मैं तेरे काम होगी ये कौन सी दोस्ती होती है यार दोस्ती निस्वार्थ होती है कि सुदामा जी जो थे उनके मन में स्वार्थ था कृष्ण जी के मन में तो नहीं था ना कृष्ण बनो अपने दोस्त के लिए करो आँख बंद करके और अगर कोई इंसान गलत भी है तो आपके साथ कितनी बार गलत करेगा दो बार अगर आप उसको भाई कह रहे हो दोस्त मानते हो उसकी नियत में अगर कुछ बुरा भी है ना आपके लिए तो आप हर बार उसके साथ अच्छा करो वो एक दिन बदल जाएगा मैंने बदले हैं बहुत सारे लोग जिनके मन में ऐसा था भी कभी मेरे लिए गलत तो मैं हमेशा गया हूँ उन्होंने जब मुझे बुलाया उन्होंने मुझे दूसरे तरीके से बुलाया मैं तब भी या मैंने कहा कोई बात नहीं आ जाता हूँ भाई

नहीं है जो मेरे को ये है कि कोई भी अगर मेरे लिए नहीं भी आ पा रहा कोई मेरे साथ कोई मेरी मदद नहीं भी करा तो भी कोई बात नहीं यार अगले की कोई मजबूरी होगी वो भी कहीं फंसा होगा कभी तो वो मेरे लिए खड़ा होता ही है तो बस जो बहुत है जो एक बार भी आ गया जिसने एक बार भी प्यार में साथ दे दिया बहुत है और किसी ने नहीं भी दिया तो भी हम उसका साथ देंगे क्योंकि हम तो मानते हैं ना तुझे भाई तू मानता है नहीं मानता कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा दिल साफ है हम तेरे लिए करेंगे भाई जब तक हमने तुझे भाई का है तो हम निभाएंगे हमें पीछे हटना मंजूर नहीं हम खड़े हैं तेरे साथ भाई हमेशा एज एन लॉयर आप कैसे हैं हैं अपनी लाइफ में like में लाइक कोर्ट कैसे है? आपको ये ये जो जो आपका आपका लॉयर है 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 एडवोकेट प्रोफेशन वो कितना नहीं। 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 पसंद खैर बहुत अच्छा है पर मैं ये मैं मेरे साथ ऐसा है कि मैं थोड़ा कोचिंग वोचिंग कर रहा हूँ जुडिशरी की तो मैं कम जाता हूँ कोई मेरा कोई पर्सनल केस होता है या किसी भाई का कोई केस वेस होता है हमारा कोई आसपास का केस होता है तो मैं चला जाता हूँ रेयर जाता हूँ और कोर्ट लाइफ बहुत अच्छी है मेरी और मतलब मेरे सीनियर बहुत अच्छे हैं मतलब बहुत मेरे कोर्ट में जितने भी भाई हैं मतलब बड़े जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं मेरे सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं मतलब सब बढ़िया मिला मुझे एटमोस्फेर क्योंकि मैं मुझे लोग बढ़िया मिलते क्योंकि मैं किसी में कोई कमी ढूंढने नहीं पाता मैं किसी में कभी नहीं ढूंढता कि यार इसमें कोई बुराई है या कुछ जो है सही है वो अगले का हर इंसान का एक नेचर होता है उसका सोचने का तरीका होता है शायद उसके सोचने के तरीके से जो चीज मेरे तरीके से सही है वो उसके तरीके से गलत है जो उसके तरीके से गलत है वो मेरे तरीके से सही है तो अगर आपकी सोच मैच नहीं करती तो चीजों को चेंज कर लो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज वो कर लेगा थोड़ा आप कर लो पर बिगाड़ने से कोई फायदा थोड़ी

हाँ तो कभी आ, आपका कोई फ्रेंड ऐसी सिचुएशन में पड़ गया हो जब किसी लड़की से प्यार कर बैठा हो और वो पागल हो रहा हो कि भाई नहीं मुझे ये इसके वापस चाहिए अपनी लाइफ में उसके चक्कर में वो ड्रिंक कर रहा हो या स्मोक कर रहा हो उस तरफ भाग रहा हो तो दोस्ती में क्या कमी रह जाती है कि उस दोस्त को उस सिचुएशन से निकाल नहीं पड़ते बाहर ऐसा होता है कि ना जब इंसान इस प्यार व्यार में होता है तो वैसे लड़के मैंने देखा है अपने दोस्तों को अवॉइड करने लग जाते हैं लड़की के चक्कर में तो उन्हें ना ये करनी चाहिए पहली चीज़ तो ना एक चीज़ होनी चाहिए इंसान को अपनी ना कोई भी इंसान एक प्यार होता है एक सिनेरियो होता है जीवन में मैं ये मानता हूँ कि ये सब बहाने हैं जब माता पिता चले जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं तब भी लोग रहते हैं ना तो फिर जब एक लड़की चली गई तो उसके लिए किस बात का रोना अगर मेरी गर्लफ्रेंड दी वो चली गई मैं उसकी मतलब एक देर वॉज अ टाइम के शी वॉज गॉन और मतलब She went out और मतलब अब अप, अपना ऐसा है कि सैनैरियो की अपनी जिंदगी चल रही है हमने उसके बाद सब कुछ नशे भी करे उसको याद करके पर दो तीन महीने बाद इट्स ओके के फाइन ठीक है भाई अगली की जिंदगी है वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो मैं अपने माँ बाप को दुख क्यों दूँ सबसे पहले तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिन्होंने पैदा करा है जिन्होंने इतना बड़ा कर दिया पाल पोस के जिस माँ ने रोटी दी जिस बाप ने चलना सिखाया अगर तुम एक लड़की के लिए उसके लिए रो रहे हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो तुम अपने आप को नशे में गाल रहे हो फांसी लगा रहे हो रो रहे हो अपनी माँ के आगे और वैसे माँ की बदुुआ ना बहुत बुरी होती है तो वैसे जो लड़कियां ऐसे करती हैं लड़कों को छोड़ जाती हैं उनके लिए बहुत गलत होता है माँ की बद्दुआ में तो बहुत दम होता है नस्लें बर्बाद हो जाती हैं उनसे तो तो मैं यही कहूंगा कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए लड़कियों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और लड़कों को सबसे पहले तो दोस्ती वाला फैक्टर है ना अगर कोई दोस्त है मतलब मैं हूँ हमेशा एक बात याद रखना लोग चाहे कुछ भी कहते हो पर मैं मेरे को मैं जब यहाँ आया था मैंने सारे नशे छोड़ दिए पाँच छः महीने ज़्यादा ही हो गए मेरे को थोड़ा समय ना तो मैं एक बात कहता हूँ कि जो दोस्त हाथ में शराब का गिलास देगा ना वो दोस्त कभी दोस्त होता ही नहीं है और जो असल में दोस्त और भाई मानता होगा ना वो कभी शराब का गिलास हाथ में देगा नहीं देखो कोई बंदा पीता है वो उसकी मर्जी है वो डिफरेंट लेवल है कि वो पीता है आपका फर सिर्फ एक बार पूछना बनता है भाई आप लोगे ठीक है आप कभी चाहोगे आपका सगा भाई शराब पिए नहीं, नहीं, नहीं चाहोगे आप कभी चाहोगे कि आपके पापा शराब पिए नहीं तो फिर अगर आप उसे दोस्त मानते हो तो आप कभी नहीं चाहोगे कि वो नशा करे वो शराब पिए तो जो लोग हाथ बढ़ाते ना शराब के लिए वो कभी दोस्त होते ही नहीं है ठीक है पहली बात तो ये क्योंकि अगर आप एक बार किसी को मना कर रहे हो दो बंदे वो होते हैं कि अगर आपने उसने आपसे पूछा भाई शराब पियोगे आपने बोला नहीं नहीं आपने उसको उसने आपसे दोबारा नहीं पूछा और वो आपको ये कह रहा है भाई 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 जूस मंगा दू, भाई मंगा रेड बुल ये लोगे तो ये होता है डिफरेंट लेवल और जब इंसान ये करता है तो इसका मतलब उस बंदे को वो चाहता है कि आप नशे ना करो वो आपसे आपकी मर्जी पूछ रहा है बस ठीक है आप लोगे नहीं लोगे बात खत्म होती है और जो इंसान ले रहा है वो तो खुद भी खरीद के ले रहा है तो इससे बढ़िया तो जो आदमी आपको पैक पिला रहा ना वो आदमी कभी दोस्त मेरे हिसाब से हो भी नहीं सकता आपको नशों की तरफ बढ़ाए क्योंकि हमने सारे नशे करे हैं तो हमें भी समझ नहीं तब पर चीज़ें ऐसी होती हैं तब भी मैं आज भी उन लोगों को बुरा नहीं करता क्योंकि किसी ने मेरे मुंह में जबरदस्ती नहीं डाला था हमने खुद लिया था वो भी गलत नहीं है पर शायद अगर वो उस दिन मेरा हाथ रोक के यूं कह देते ना कि भाई बस कर नशे मत कर गलत है तो मैं शायद समझ जाता पर ऐसा नहीं हुआ तो फिर चीज़ें वो उनकी अच्छी पॉजिटिविटी है कि उनका प्यार था वो कह रहे थे ले भाई पी प्यार में हम भी बन रहे थे तू भी बन रहे नशे करते हैं तो सबका अलग अलग वो है पर लड़की के चक्कर में अगर आप अपने मतलब दोस्त को ना एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिंदगी में एक ऐसा भाई होना चाहिए कि आप कितनी भी मतलब आपके जीवन में कुछ भी उलझने चल रही हो दिक्कत चल रही हो अंदर की दिक्कत हो परिवार की दिक्कत हो बाहर की दिक्कत हो उस एक बंदे से आप सारी बात शेयर कर सको उसे बता सको कि भाई ऐसे ऐसे मेरे परिवार में चल रहा है ऐसे ऐसे मेरे घर में चल रहा है या जहाँ पे भी मेरे साथ हो रहा है तो अगर आप उससे अपनी बात शेयर करोगे ना वो कोई ना कोई समाधान निकालेगा और एक मैं कह रहा हूँ एक दोस्ती के नशे से बड़ा कोई इन भाइयों के प्यार से बड़ा कोई लड़की का नशा नहीं हो सकता लड़कियाँ लड़की तो एक गुलाब का फूल होती है दोस्त कांटे होते हैं वो हमेशा दोस्त जहाँ लग गया वहां से खून निकलेगा ही निकलेगा क्योंकि वो दोस्त है और उसके खून से हमेशा प्यार रहेगा गुलाब क्या फूल है वो तो पत्तियां बिखर जाएंगी कभी भी आएंगी कभी भी जाएंगी कोई फर्क नहीं पड़ता अरे सर आपने तो शायरी बना दी नहीं शायरी नहीं है एक फैक्ट बता रहा हूँ जिंदगी का कि गुलाब के पत्ते और कांटे इसीलिए तो भगवान ने गुलाब के पत्तों के पास कांटे क्यों दिए होते हैं उसका मतलब एक एग्जाम्पल मैं ये मानता था जब मैं शायरी लिखता था कि ये गुलाब बहन जैसी होती है और कांटे भाई जैसे होते हैं तो मैं यही मानता हूँ कि वो जो अब एक अलग टेम्पल के तरीके से मान लो कि लड़की गुलाब की पत्तियां होती है वो बहुत नाजुक होती है बहुत चीजें होती है और हमारे भाई कांटे जैसे होते हैं और हमारा कांटे जैसा नेचर है हम खड़ी बात बोलते हैं मुंह पे कुछ भी बोलना सीधी बात करना लड़कियों को नहीं पसंद अब लड़कियां कुछ होती हैं कि उन्हें तो हमारे बिहेवियर ही पसंद नहीं आते क्योंकि उनकी चोचेबाजी होती है शोचलेबाजी होती है वो अपनी समझ में आती नहीं है क्योंकि हम सीधे स्पष्ट आदमी है ना तो हम तेरे को क्लबों में घुमा के डोंडरे करा सकते ना तो हमारे आगे छोटे छोटे कपड़े पहन के चलेगी कोई देखेगा हमारा माथा घूमेगा हमें सड़क पारना पड़ेगा पहले ना कोई हमारा पड़ेगा तो हम इतनी भड़क ले नहीं सकते नहीं ना। तो सीधी सी बात है भाई सूट सवाल पहन के तू चल सकती हो अच्छे तमीज से तो आप हमारे साथ चलो नहीं चल सकती तो कोई बात नहीं आपकी बट मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कोई भी लड़का होगा वो देखो बहुत ज़्यादा मॉडर्न लड़के हों या फिर वो एक्टर हो बॉलीवुड में हो वो इतना ओपन माइंडेड सोचते हो तो सोचते हो अच्छी बात है पर अपन तो इतने ओपन माइंडेड है नहीं कि अपन ये सोच सकें कि भाई वो ऐसे है बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि मैं लड़कियों को ना देखता ना मेरा कोई मतलब है जो है ठीक है अपना जीवन में जिससे बात हो जाती है कोई खुद सामने से अप्रोच करे तो ठीक है अपन बात बात कर लेते हैं <laughs> पर उस एक दिन बात करी दो दिन बात करी चार दिन बात करी आपको पता लग जाता है कि इंसान आपके लिए किस पर्पज़ से बात कर रहा है और क्यों कर रहा है तो लड़कियों के आजकल शौक लड़कियों को क्या चाहिए गाड़ी चाहिए पैसा चाहिए टाइम पे घुमाने वाला चाहिए और बंदा थोड़ा दिखने तकने में ठीक होना चाहिए ये चार चीज़ें इनको चाहिए और देखो ना तो अपने पास गाडी है और भगवान की याद देखते हम ठीक ठाक है पर हमने इसीलिए अपने आप को ठीक ठाक नहीं रखा कि हम तुम्हारी गुलाम मजदूरी करें अपने को सीधी सी बात है अपना बढ़िया टाइम पे खाए पिए मौज ली अपना किसी को घूमना एक आध बार हफ्ते में मिले अपना घूमे वूमे जिससे भी साथ मिलना है या फिर जो भी है बात बात करी अपना दिल लगाई का पर्चा नहीं होता क्योंकि मुझे पता है कि मैं मैं किसी की लड़की के साथ बदतमीजी करना ठीक मानता नहीं कि मैं तेरे को कल को कुछ गलत बोल दूँ मेरे क्योंकि हम यारे दोस्ती में गाड़ी देते हैं दस चीज़ें बोलते हैं तो अगर मैं अपनी बहन के लिए गाड़ी नहीं सुन सकता ना तो मैं किसी की बहन को गाड़ी देता भी नहीं तो इसीलिए भी थोड़ा सा रिलेशन अवॉइड करता हूँ क्योंकि मेरी आदत थोड़े मेरे शब्द अच्छे नहीं है और मेरा लहजा बात करने का बहुत खराब है और लड़कियों के जो लक्षण है ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे तो ये मेरे साथ दिक्कत है तो और मैं सबको यही कहूँगा कि चक्करों में मत पड़ो भाई लड़कियों के अपना पैसा वैसा कमाओ घर परिवार देखो और दिलेरी दिखानियाँ जो लड़कियों को मार रही हैं ये सब हो रहा है इतना सब कुछ हो रहा है मैं तो ये कहता हूँ भाई अपने दोस्तों के लिए मारो

<laughs> तो सबसे बड़ा रीज़न यही है इस बात के पीछे क्योंकि जब तुम्हारे दोस्तों की लड़ाई होती है ना तब तुम यूँ कहते हो भाई मैं इसके साथ नहीं था भाई नहीं मैं इनके साथ नहीं आया भाई मैं तो अलग खड़ा था भाई मुझे मत मारो अभी तुम्हारे वैसे डर लगता है तुम थाने में चाहना हो तुम्हें प्रशासन रिमांड पर ले ले लेते तो तुम्हारे परारण निकल जाएँ पुलिस वालों के चार थप्पड़ लगाई नहीं जाते लड़कियों को तुम अपने इतने भारी हाथों से चांटे मार रहे हो तो उन चीज़ों को समझना चाहिए कि थोड़ा ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और लड़कियाँ भी खैर थोड़ी ऐसी हैं तो अगर आपका नेचर आपको ऐसा लगता है कि है कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है आप नहीं सुन सकते शॉर्ट टाइम हो तो अवॉइड कर दो किसी से अगर आप ज्यादा वो नहीं रखोगे ना उम्मीद है तो आपको भसड़ होगी नहीं जिंदगी जैसे कि आपने अभी बोला कि लड़कियों की डिमांड्स इन सब चीजों को लेकर होती है लड़का रिच होना चाहिए गुड लुक, गुड लुकिंग होना चाहिए तो लड़कों की क्या डिमांड्स होती है एक लड़की को लेकर लड़की होनी कैसे चाहिए सभी लड़कों के आपका पर्सनल नहीं मतलब जितने भी आपके दोस्त मैं सबकी बता रहा हूँ कब कोई कैमरे पे बोलता है नहीं बोलता हूँ मैं बताता हूँ <laughs> उनको एक ऐसी बंदी चाहिए जो उनके सिवा किसी और लड़के से बात ना करे उसके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए उसके आलतू फालतू के लड़के दोस्त नहीं होने चाहिए वो मैसेज करे उसको कोई दिक्कत है कोई परेशानी है वो हमसे बात करे उसकी कोई सहेली ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लॉन्डे लपाड़ों में घूमती हो अगड़म बगड़म करती हो ठीक है मतलब लड़की बिल्कुल सीधी होनी चाहिए उसकी दोस्त बिल्कुल तरीके से होनी चाहिए और अगर वो कहीं गली से जा रही है सीधा सीधा जाए अगर कोई लड़की आगे मुझे देख रहा था। वो मुझे देख, रहा था, इसका मतलब तू देख रही थी तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जिसको सिर्फ अपने से मतलब हो मुझसे मतलब हम दोनों का मतलब हो और बात खत्म होती कि है किसी से कोई मतलब ना हो बस ऐसी लड़की चाहिए माओ आपकी सर लड़कियाँ बोले और मैं आपका कॉलेज टाइम का या या कहानी हो आपके पास कोई आपके दोस्तों से रिलेटेड तो प्लीज दोस्तों से रिलेटेड हाँ जी एक इंसिडेंट बताता हूँ एक बार क्या हुआ सीपी में मेरी बाइक रोक ली सीपी में बहुत केस वाले रहते हैं आ, वो उन्होंने मेरी बाइक रोक ली तो तब तो मैं लॉयर वगैरह था नहीं उन्होंने मेरी बाइक रोक ली वगैरह बाइक नहीं छूटेगी मैंने मेरे भैया आए यहीं पे तो कह रहा नहीं कुछ भी होगा बोला दस हज़ार रुपये लगेंगे ऐसे वैसे मैंने कहा प्लीज़ मेरी बाइक छोड़ दो नहीं छोड़ी मैंने मजबूर मैं करता नहीं मैं अपने किसी भाई को फ़ोन इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी वजह से अगर उसे रिस्पेक्ट वो रिक्वेस्ट करनी पड़े ना मेरे तो मेरे को डिसरिस्पेक्ट फील होती है उसके लिए यार नहीं मेरी वजह से ऐसा उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो मेरे भैया आए वहाँ पर वो कह रहा है डी को भी बुला ले पुलिस वाला भाई ने छुट्टे करा है मेरे भैया बहुत अच्छे हैं और मैं जो कुछ भी हूँ आज उनकी वजह से यहाँ बैठा हूँ अगर वो मेरे को ज्ञान नहीं देते उन्होंने मुझे लॉ के लिए बोला और दो चार चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे कर मुझे हर झगड़े से उन्होंने बचाया हमेशा हर केस से वो मेरे लिए गए थाने में उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा मतलब उनको बहुत टाइम हो गया ड्यूटी पर वो दो बैच के आसपास गए हैं और उन्होंने जब से मतलब मेरा बहुत साथ दिया मतलब मेरे पर मेरे साथ ये था जीवन में लोग कहते हैं कि भाई हमारे माँ बाप ने ये नहीं करा वो नहीं करा भाई मैं तो एक बात मानता हूँ मेरे माँ बाप मैंने अपने माँ बाप को कभी ना किसी चीज में इन्वॉल्व करा और ना मैं करना चाहूँगा जीवन में क्योंकि जो मैं अपने दम पे करना सकता हूँ या अपने दोस्तों के लिए करूँगा अपने दम पे करूंगा भुगतना होगा मैं खुद भुगतूंगा बंद होना होगा मैं बंद खुद होगा मैं अपने माँ बाप को बुला के थाने में उनकी बेइज्जती नहीं करवा सकता कि कोई मेरे माँ बाप को चार बात बोल जाए मेरी गरीब हरकत से तो जीवन में जब अगर अपने दम पे कोई लड़ाई लड़ी जाती हो खुद के भीतरले में दम हो तो चीज़ को करना चाहिए नहीं है तो नहीं करना चाहिए अपने माँ बाप को किसी दो पैसे के आदमियों की चार बात सुनवाना अपनी माँ बहन पे कौन किस नज़र से देख रहा है तो ऐसे काम मत करो कि क्योंकि तुम नहीं जानते जिस चीज़ के बारे में तुम अवेयर नहीं हो उन चक्करों में मती पढ़ो तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई गुंड देखो बदमाशी लोग कहते हैं कि मैं बदमाशी की रील बनाता हूँ ये बनाता हूँ मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप बदमाशी करो पर अगर एक बच्चा अच्छा तो बन जाओ ना। हाँ बिल्कुल आप क्या फायदा तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ना किसी से डरने की जरूरत है और ना किसी दबने किसी से दबने की एक जीवन है एक संसार है परमात्मा ने वही शक्तियां आपको दी है वही के पास आपके पास है आप भी मास्क के बने और सामने वाला भी मास्क का बने ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ दस लोग भी आपको उतना ही मार सकते हैं बीस लोग भी उतना ही मार सकते हैं और आप अगर किसी से अकेले भी लड़ोगे भी, तो भी भी नहीं, नहीं मार है कोई फर्क नहीं पड़ता जब आदमी दस लोगों में खड़ा होकर सिर्फ बैठ के खाता है तो वो सिर्फ पिटता है और जब वो हाथ चलाता है तो हो सकता है वो दस को मार भी ले कोई बड़ी बात नहीं है मारने वाले दस दस बीस बीस भी मारते हैं अगर आपको आपके मन में एक चीज होनी चाहिए जहां इंसान हमेशा इंसान वहां डरता है जहां इंसान डर जाता है ना मतलब वहां वो खत्म हो जाता है मतलब अगर मैंने किसी बंदे को देख के सोच लिया हाई पा तो इतना बड़ा शरीर है तो मुझे बहुत मारेगा मैं अपने आप से हार गया और जो इंसान अपने हाथ से हार जाता है ना वो कहीं नहीं जीत सकता तो कभी किसी से नहीं डरना चाहिए जीवन में कोई मजबूत नहीं होता आप अपने आप से मजबूत खुद के अंदर मजबूती आनी चाहिए तो चीजें सब कुछ अपने दम पे काटना पड़ता है थाने में टाइम अपने दम पे काटना पड़ता है रिमांड अपने दम पे झेलना पड़ता है जेल अपने दम पे काटनी पड़ती है हर चीज अपने दम पे काटनी है कचहरी में तारीख अपने दम पे भुगतनी है तो जो चीजें सब कुछ जब करना ही अपने दम पे है तो जैसे लोग आई जी भाई जीओ में बैठते हैं कि वो भाई वो भाई कोई भाई नहीं होता कोई बदमाश नहीं होता लोगों ने बना दिए है उस वाले भाई का नाम ले दिया उसने जेल काट लिए अरे तो लड़कियों की भी जेल बनी हुई है लड़कियां भी जेल काट नहीं बदमाश बना दे क्या जेल और केस मुकदमे ये किसी को बदमाश नहीं बनाते इंसान को सिर्फ अपने आपे में दम होना चाहिए आप गलत नहीं होने चाहिए अगर आप सर्किल कृष्ण जी भी कहते थे कि धर्म की लड़ाई गलत नहीं होती तो जो आपको लगता है कि यार धर्म की लड़ाई आपकी आंखों के सामने अधर्म हो रहा है तो क्यों खड़े होकर देखना लड़ना चाहिए उसके लिए गलत की लड़ाई लड़ना कोई गलत बात नहीं है उसके लिए माँ बाप भी क्या करेंगे कृष्ण जी जेल में पैदा हुए थे तो इसमें पाप क्या है इतने इतने फ्रीडम फाइटर्स जेल में काटी है, रहे हैं जेलों में तो जेल में कोई हुए थोड़ी रहते हैं इंसान ही तो रहते हैं वहाँ नब्बे लोग एक साथ रह रहे हैं इतना फर्क है इतना बड़ा कमरा होता है जहाँ बैठा रखा आपने मुझे कुछ भी नहीं होता तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है जिंदगी में पर हमेशा सही का साथ दो अगर आप किसी को दिल से मानते हो आप भाई बोलते हो किसी को प्यार करते हो या तो किसी को भाई बोलना छोड़ दो किसी को दोस्त बोलना छोड़ दो या तो फिर उन अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसका साथ छोड़ दो बिल्कुंग. सीधी सी बात है अगर किसी के लिए आप नहीं जा सकते समय पे उसको साफ बता दो भाई देख नहीं आ सकता मैं एक बात मानता हूं मैं जब जीवन में शादी करूंगा उस दिन मैं हथियार पानी में डालेगा कि भाई देख यहां से मैं अपना जीवन स्टार्ट गृहस्थी वाला जीवन स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब मेरा परिवार हो गया मेरी बीवी हो गई मैं आज से चीजों को छोड़ रहा हूँ तो अब तुम मुझे झगड़े के लिए फोन मत, मत कर लो और बाकी तुम्हारे लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ जो मेरे से होगा मैं करूंगा तो ये हो गया अलग मुद्दा जिस चीज़ को नहीं कर सकते हमेशा अपने शब्दों से स्पष्ट रहो अगर किसी बात के लिए हाँ है किसी को बोल दिया भाई तेरे लिए खड़े हैं तो खड़ा होना सीखो बातें करने से नहीं होता कि पांच बार बोल दिया भाई यहाँ आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे छठी बार मना कर दिया कि भाई मैं तो यहाँ फंस गया वहाँ फंस गया

बस अपने जीवन में हर इंसान को पॉजिटिविटी के साथ देखना और एक साहस के साथ आगे बढ़ना जिंदगी इसी का नाम है यही परफेक्ट बात तो सही है ठीक <laughs> है सर थैंक यू सो मच थैंक यू मैम